हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। जी भर के सो लिए क्योंकि ठीक से सोई नहीं थी, आपको पता ही फ्लाइट इतनी जल्दी की थी। तो सबसे पहले जो काम जो हम लोगों ने वहां नहीं करा था, गिफ्ट खोलने का, तो वो करते हैं शुरू। सो ये था तेरा गिफ्ट, ये था मेरा गिफ्ट। तुझे क्या पता ये मेरा है, ये तेरा है? इसमें सिर्फ थैंक यू लिखा है, मेरा नाम नहीं लिखा। मैं तो ऐसी बांट दिया, देखे किसके पास ज्यादा अच्छी चीज निकलती है। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे बड़ा ये लग रहा है, पता नहीं है। इसमें तो शायद मिठाई लग रही है मुझे, देखिए क्या है। पता है शादी में कैसी चीज देनी चाहिए जिससे वो शादी याद रहे? देख कर निकिता और सुधांशु ने क्या दिया है। वो ऐसा भी होता है क्या? मैं तो यही मानती हूँ, उसमें तो मीठा है लेकिन वो बहुत टेस्टी लग रहा है। लड्डू, अरे और कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू दोस्तों। लड्डू आए हैं, कैंडल्स। या दीज आर ओ प्रीटी कैंडल्स। बट ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। सो आप ऐसे रखो और इस पैसे कैंडल्स रख दो, ऐसे करके कैंडल्स। हाँ, ब्यूटीफुल। मुंबई से यहाँ आए हैं, यहाँ हो रही है सर्दी भयंकर। यहाँ सर्दी मुंबई में बहुत। कितना वेदर चेंज हो रहा है, मेरे हल्का सा गले में दर्द होना चालू हो गया। आज चाय पी यहाँ पर तो थोड़ा सा ठीक लगा। कैसी लगी शादी? बहुत अच्छी थी यार, मुझे बहुत अच्छी लगी। लाल मेरे आ चुके हैं, देखो पार्सल्स। हम लोग जैसे जाते हैं ना ट्रिप पे, उसके बाद आते हैं पार्सल्स। yes. कि तुम लोग घूम फिर के तो आ गए, अब तुम कपड़े पहन लो। है ना, सही बात। और मेरा मेकअप आया है, वो तो तेरा रोज आता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ब्लैक फ्राइडे सेल में से यार मेरा आधा मेकअप तो आ ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, कल तो घर वालों की एनिवर्सरी है। घर वालों की एनिवर्सरी? मम्मी पापा की नहीं, घर वालों। हाँ, मतलब वो एक ही बात होगी भाई। मम्मी ने तो पता क्या, मम्मी ने ना कल मेकअप करा लिया, पूरा फेशियल करवा लिया, आज मेहंदी मनवा रही बैठ के। अरे वाह, अरे वाह, सब कुछ करा लिया कल ही पार्लर का। ये सही है भाई, ये तो इतनी उतावल रहती है। वैसे पूछिए आपने 2 दिन पहले क्यों करवा लिया? और यार कल तो मैं मेहंदी लगाऊंगा ना, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलेगा। मेहंदी पूरे दिन भर लगती है क्या? इतनी दिन लगवाएगी? कितनी लगवाती है? वाह। और हमारे बेचारे अंकल, उन्होंने पक्का, वो तो नाए भी नहीं होंगे मेरी तरह अभी तक। नहीं बट मतलब अच्छी बात है, इस उम्र में भी इतना एंथुसियाज्म। हां, एक्साइटमेंट सी हो गई यार उनको। यार हम लोग, मैं सच बताऊं, मुझे लगता है सूरज अपनी जनरेशन के साथ वो एक्साइटमेंट खत्म हो रहा है, बट पुरानी जनरेशन में आज भी बर्थडे को एनिवर्सरीज को लेके वो एक्साइटमेंट है, जो बहुत अच्छी बात है। जैसे अपन को नहीं होता ना किसी चीज की एक्साइटमेंट, ना बर्थडे की होती ना किसी और चीज की, बट उनमें पता नहीं यार। तुझे तो होती है? मुझे तो कुछ नहीं होती अब। अब नहीं होती? मुझे भी नहीं होती। तो होती है, तुझे होती है? बट मेरे को ये चीज देखिए बहुत अच्छी लगती है कि अपने से पुरानी जनरेशन में हर चीज का एंथुसियाज्म। मम्मियों को ही होती है लेकिन नहीं। मम्मियों को, डैडियों को नहीं होती, डैडी की तरफ नहीं होती। अच्छा एनिवर्सरी क्या? हाँ तो ठीक है, नॉर्मल दिन ही तो है। पापा तो क्या ज्यादा क्या करते हैं, हर बार एक फेक प्रॉमिस कर देते हैं मम्मी को कि और तेरे को अगली एनिवर्सरी पे तो ये दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। फिर अगली एनिवर्सरी पे उससे बड़ी चीज बोल देते हैं, अरे यार वो छोटी चीज लेके क्या करेगी, इससे बड़ी चीज दिलाऊंगा। ये चीज तो डैडी भी करता है, अरे यार ये काम कर, ये तो नई नहीं है, अभी इससे बड़ी आने दे, इससे बड़ी आएगी और भी, वो लेना। ऐसे करते करते 20-25 साल निकाल दिए। दही की बर्फ जम चुकी है। अरे वाह, अरे वाह, खाएगी क्या इसको? खाइयो मैं थोड़ा सा खा लूं। अरे नहीं, ऐसी ठंड हो चुकी है, पागल है क्या तू? थोड़ी सी और खराब हो गई सही से, बहुत बड़ी। अरे यार दही जम गया, जम गया, दही जम गया, खा लो। अरे नहीं खाऊंगा, इतना ठंडा पागल है क्या? अरे बहुत मस्त है। इस खाने में आज दाल चावल, दो दिन से खा रहे थे खूब पनीर की सब्जी, मिठाइयां, अंडसंट फंडसंट, अब खाओ दाल चावल नॉर्मल। सही बात है, आधा वो एक बार में खा गया, आधा ये खा गया। अरे राम, आधा का एक वो लिया जरा सा देना। अब देखूंगा, मैं तो देखूंगा, खाली जगह ना, खाली जगह इन्होंने करी है, खाली स्थान पर है। अब मस्त है लड्डू, देसी ही है ना, शादी के लड्डू है ये। तो शादी का लड्डू तो आपको खाना नहीं है, आप तो बैठे रहो। तू तो वैसे भी शादी में जाके पक गया ना। अनु ने बुलाया था शादी, वहाँ पहले 3,000 लोग आ गए, तेरे को क्यों बुलाया? भाई रोटी भी नहीं मिल रही वहाँ। वो तो बुलाओ नन्नू ब्याह का बेचारे का, जो रोटी तो ला दी। लड़की जो आपने में दिखाई थी ना, उसको हाँ करना पड़ेगा आपको। कौन सी लड़की दिखा दी आपको? वही जो आप न्यू जोड़ बोल रहे हो, देखो मिला के तो लाया था उस दिन। ओ या गाइस, इनका सीक्रेट में वो चल रहा है मामला। आप तो मुझे नाम भी पता है, ठीक है ना? बता 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 बता, मेरे को पता है। कोई नाम नहीं पता भाई, अलग ही पूजा। पीके है, पीके है ना, पीके, पीजे, पीजे, सॉरी पीजे, पीजे नाम थोड़ा ना होता है भाई, पीजे नाम नहीं होता। इसका क्या, फोन से पता चल गया था, इसको देख लिया, इसने फोन कॉल आते ही ना। पूजा जैन है, पूजा जैन, पीजे नहीं यार, पूजा नहीं है, पीजे है, बस पीजे लिख रखा है। पूजा होता है, प्रियंका होता है, परिणीति होती है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नाम की तो पटेगी नहीं इससे। स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, ये बोलेगा ही नहीं आप ठीक से उसका। मैं तो मैं हिंट दे सकता हूँ, उसका नाम की स्पेलिंग बहुत तगड़ी है, इसलिए मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म रखा है, अब देख लो तुम। ठंड हो रही बहुत ज्यादा, नीचे देखो ऐसे पैर नहीं रख सकते नीचे गाइस, जब तक कि मोजे नहीं पहने हो, और ठंड हो रही तो चाय बना लो कोई। मुझे कहीं जाना है घूमने, अभी तो आइए, एक हफ्ते से घूम ही रही है प्लेन में। मुझे जयपुर में मुझे घूमना, मेरे लिए बात सुनो क्या होता है, पहाड़ों में, पहाड़ों में, पहाड़ों में तो होता ही है, उसके अलावा जयपुर के आसपास खाने वाली जगहों पे घुमाओ मुझे। सही बात है, चलते हैं कल आंटी की एनिवर्सरी, कहाँ चले यार? वहाँ चलते हैं डोसे वाले के। अरे डोसे वाले
कल भी रात को आंटी की इच्छा थी डोसा खाने की, आ जाएंगे ना अंकल को, अंकल को बोलूंगा डोसा वाले के चलेंगे आपको पार्टी देने के लिए। वो तो वहाँ के लिए मना कर देंगे, नहीं देंगे वहाँ पार्टी। बोले नहीं यार अपने तो यही बना लेंगे डोसा, ये बोलेंगे वो तो, ले भाई अपने तो यही बना ले चाय बनाओ, तू पुगले देख, तू और यशि और मीकू में से पुगले कौन बनाएगा? मेरे को तो पीने भी नहीं, आप बनाओगे तो पी लूंगा। तो फिर तो तूने पी ली, जिंदगी में नहीं पी पाया तू चाय मेरे भाई। नंदू को पीने आप क्या की जाए यार, यशि यार मेरे लिए चाय तो बना दे यार। मैं नहीं बना सकती चाय, सॉरी। दो उम्मीदवार बचे, अब तुम दोनों में से टॉस कर लो यार कि कौन बना के पिलाएगा। भाई देखो मैं तो रात को दूध बनाऊंगी तो मैं तो कट हो गया। हाँ यार वो तो दूध है, अरे यार नहीं बनती मेरे से, ढंग से नहीं बनती रे यार। तो गाइस अरे अंकल आपने वो स्वेटर वेटर क्यों नहीं पहना हुआ है? और वो सर्दी कम है आज, कम है जो शॉल वॉल में आ गए सबके सब, ये इनर पहन रखा है इन्होंने तो, हीरो बन रहे हैं, सर्दी कम है। ये क्या लेके आए हो? ये तुम्हारा सामान है, इस पे डिस्पोजल बचे हुए थे फाकर इनके। अरे डिस्पोजेबल लाए हो क्या? डिस्पोजल है, डिस्पोजेबल। हाँ डिस्पोजल, सॉरी यार। ये क्या है भाई? ये हमारे पार्सल्स हैं कि हम बाहर गए थे तो पीछे से आए। ये दो दिन के पार्सल है, वही हीटर तो बैठी है यार। आज मेरे को कम लग रही है, क्या बात है? ये दोनों सुबह से उठी है ना, यहाँ से हिली नहीं है ये, सारा काम इन्होंने यहाँ बैठ के करा है। सब एक ही जगह, कहाँ ये वहाँ ये, अगर दोनों की दोनों जितनी एडिटिंग की लैपटॉप वैपटॉप सब यहीं, जहाँ ये वहाँ ये। अब एक और हीटर लिया भाई, ये को ये क्या बात हुई? एक काम करो, एक केबिन बना लो जिसमें एक हीटर रख लो, सारे उसी में बैठ जाओ, उसमें काम करो। हाँ सीधे अंदर बैठो और वापस आ जाओ, और फिर नाकों से सुर सुर करते रहना यार भाई। ये बीमारी का है ये, स्वेटर वेटर नहीं है क्या? देखो सॉक्स नहीं पहनता, ये गर्मी लगती है। अच्छा और नीचे क्या हो रहा है? चप्पल पहन लो, चप्पल को नहीं लगेगा यार हमारे पास यार। अरे तो सॉक्स पहनना, चप्पल को नहीं लगेगा तो बोल तो नहीं आती थी यार। ताजुब की बात है यार, ताजुब होता है तुम्हारी बातों के ऊपर यार। हम भी तो सॉक्स पहन के घूमते हैं बाहर, कितने चप्पल जूते बाहर पड़े हैं, अंदर थोड़ी ला सकते हैं यार। अंदर कितने चप्पल जूते हैं? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी चप्पल नहीं है। और वही तो चप्पलों का स्टोर तो ऊपर है। आप मेहंदी लगवा ली? स्लीपर नहीं है। ओ देखो दोस्तों ये देखो, कंधों तक मेहंदी लगा के ये शादी के लिए रेडी हो गई खुद की, कंधों तक मेहंदी लगा के। अंकल आपने क्या करवाया? सफेद दाढ़ी वापस आ गई। मेरे तो क्या करवाना है यार, जैसे है वैसे ही यार। मणि को बाल तो कलर करके आए हो? ये तो उस एक ये तो एक हफ्ते में हो गया यार इसको तो। ये तो आगे साइड से वापस सफेद आ गया। इलेक्शन वाले दिन करवा लिए थे कलर तो ये। अरे हां वोट डालने जाना था, वोट डालने गए थे जब, ध्यान नहीं है तेरे को यार? ये सही है, एक एक होते हैं कि वो रेडी हो रही है एनिवर्सरी के लिए, वोट डालने के लिए रेडी हुए भाई, काले बाल वाले जवान युवा वोट डालने जा रहा है। कुछ तो होना चाहिए ना। 3 तारीख को आ रहे रिजल्ट्स। अरे एग्जिट पोल तो आने लग गए, एग्जिट पोल तो 50-50 बता रहा है, मतलब कोई भी जीत सकता है ये बता रहा है। दोनों जीत गए तो बराबर दोनों में होगी टक्कर, कांग्रेस बीजेपी में है दोनों में टक्कर होगी, और दोनों में से 2-5 सीट का डिफरेंस दिखा रहे हैं बस। बस नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन टक्कर है कांटे की, मतलब कभी भी पासा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। आप यहाँ खड़ी मत रहो, आपको ये जगह नहीं मिलेगी, अभी हम बैठे हुए यहाँ पर, ठीक है? आप वहाँ ठंड में बैठो, बुकिंग कर मेरी थोड़ी देर बाद आओ, बुकिंग कराओ, हाँ पर्चे कटवा लो भाई 15-15 रुपए की। ऐसा है इसको यूं कर लो ताकि सबको जो है ना हीट आएगी, अरे ऊपर रख लो तो सबको बराबर ही नहीं आएगी, मुंह पे हीट नीचे पैरों पे। तो मैं स्वेटर को नहीं की था, स्वेटर में नहीं, यहाँ नहीं लगी, शॉर्ट्स पहन के घूम रही थी, इसको पजामा पहनवाया। अच्छा फिर तो मेरा शौक है घूम रहा हो जाए। कैसा रहा तुम्हारा बॉम्बे? अरे बहुत शानदार, रिसोर्ट बहुत शानदार, रिसोर्ट था कितना बहुत लंबा चोर रहा। ड्रेस अपना आप मैच कर गई वहाँ की थीम से, कौन सी पिंक? हाँ वो तो, अरे ये अंदर बैठा था इतनी देर तक, ये अंदर बैठा ठंड में, ये भी एक जगह टिक जाता है ना। अभी अभी शेर सो रहा था, अभी शेर की सैलरी आई है, कल जाके शेर जागेगा। ये तो सैलरी आ गई थी इसकी, चली गई, चली इसको, इसके पास 3,000 रुपए पड़े थे, वो पूरे 20 दिन चलाने थे, 1,300 रुपए खर्च हो गए कहीं पे, 1700 कोई ले लिया, पेनल्टी लग गई आएगी। यार वो फॉर्म भरना था एलएलबी का, फीस तो जमा करा थी, फॉर्म था लिखा हुआ, तो मैंने बोला की मैं नहीं भर रहा भाई, इतना महंगा मैं तो नहीं भरू 1700 रुपए। तो मैंने आगे बात बात की वो सब लल्लू लो, बोले सर लास्ट डेट अगर आज भर दोगे तो ठीक नहीं तो 5,500 रुपए लगेंगे। एक बात एलएलबी कर रहा है ठीक है, और इसको लास्ट डे ध्यान आ रहा है कि हमको फॉर्म भरना है। हाँ तो फिर तो, समझ जाओ तो जब कोर्ट कोर्ट में जब ये जाएगा तारीख निकल जाएगी, उसके बाद ये पहुंचेगा कोई केस होएगा किसको भाई। मैं तारीख भूलता हूँ इसलिए मैं एलएलबी कर रहा हूँ ताकि मैं तारीख याद कर सकूं। इसके तो केस लड़ने जाएगा, तारीख आज की होगी, लड़ने 3 दिन बाद जाएगा।
तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना, सही है, सौ में एक आधा वकील मिलता है। सेल्फनेस अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस, ओके, सेल्फनेस अवेयरनेस, अरे सेल्फ अवेयरनेस, सॉरी, इस कार्ड देना इसको। अंकल एक चीज होता है, आज आपको कोई भी दिक्कत हुए, कोई आपसे भिड़ जाए आके और वो बेचारे कुछ हो जाए उसको, वो आपको उल्टा केस कर दे, तो आप क्या करोगे? आप मुझे फोन करो। भाई आप केस कर ले आओ, और वकील नहीं फोन करेगा भाई, सही बात है, घर की, ठीक है। कल का क्या जीमण वीमण करा रहे हो? अरे वो मैं वही तो न्योता देने आया हूँ यार। कल का जीमण है, क्या जीमण है? पूड़ी है, सब्जी है, झर के भुजिए हैं, और बूंदी है, बनाएगा कौन? बनी बनाए लाएंगे यार, बनाने वाला सिस्टम नहीं है, देख हलवाई थोड़ी बैठेंगे यार। यार दो पांच जनों के लिए तो यही बना देती, इनसे करवाओ मेहनत सालगिरह पे, बढ़िया पूरी सब्जी तो ये बना लेगी। मैं तो नहीं बनाऊंगा, ये मेरे से तो नहीं बने। क्यों नहीं? मेरे तो बस की ना, तो मैं पूरी सब्जी खाऊं ना मैं बनाऊं? तो बच्चे तो तेरे हाथ की खाएंगे। नहीं नहीं, बच्चे तो बाजार की नहीं खाएंगे, वो तो तेरे हाथ की खाना चाहते हैं। वो पूरी सब्जी खाती नहीं। बोलो भाई, बाजार की खाओगे, घंटी के हाथ की खाओगे? कोई नहीं खाता, खाएंगे यार मेरे भरोसे तो फिर खा लिया। ये तो छोड़ो, आप तो पार्टी करने कहीं चलते हैं, बड़े रिजॉर्ट विजॉर्ट में पार्टी दो आप। सही है, अरे यार क्या पार्टी 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 यार, जब देखो तो पार्टी 31st को करेंगे अपन। 31st को? अरे भाई साहब कहाँ ले गए 31st को दीदी? भाई ये क्या बात हुई? क्यों भाई, क्यों करेंगे 31st को? उस दिन खुशी होती है नए साल की, तो आपको कल 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 की कोई खुशी थोड़ी है। ये बता मेरे को, बेचारे 27 साल से भुगत रहे बेचारे। 28वां साल लग गया? 28 हो गए, 28वां साल लगेगा, 28वां लगेगा, 27 साल हो गए जेलते हुए। ताकत वाली बात है, देख आपको अवार्ड दिलवाने की बात करवाता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, तो आपको कैसा लग रहा है? अब ये तो तुम देख के बताओ मेरा चेहरा। भाई करेगा शादी? करेगा शादी? शादी क्या होती है? ये बात अब तक क्या कुछ होता है जीवन में? अंकल देखो, मुझे मेरे घर वालों ने एक ही चीज बताई है कि मुसीबत के गले मत लगना जाके। और मुसीबत गले लगाना, गले में मुसीबत मत डालना, ये बात सही है। अंकल पुण्य करो, डॉग्स को फूड डाल के आओ आप भी कभी कभी। तो इनकी लाइफ ऐसी हो गई, मतलब इतनी अच्छी हो गई। आपकी दोबारा शादी करा दी क्या? एक बार तो भुगत लेने थे मेरे को, सेम पर्सन से। हाँ जैसे हमारे दोस्तों की है, दोबारा शादी कराओ इनकी। 50 साल के हो जाओगे तब। किस पे कराते? 25 पे सेलिब्रेट करते, 50 पे सेलिब्रेट करते, 75 पे करते हैं। वो 75 पे तो वो होती है, कौन सी होती है, डायमंड? नहीं, पोता पोती है, सिल्वर गोल्डन जुबली, सिल्वर गोल्डन जुबली, पोता पोती, डायमंड जुबली, डायमंड जुबली, तीन ही होती है। और चौथी में तो फिर मुश्किल ही है। चौथी तो इसलिए तो उसका कुछ नाम ही रखा था। हाँ 100 साल तो कोई शादीशुदा पूरे कर ही नहीं पाता होगा। नहीं मुश्किल है, मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। मैंने तो कभी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना कोई रियल केस ही हो तो। नहीं यार, नहीं हो, 100 साल तो नहीं है आजकल उम्र का होती है। अरे 125 साल भी कोई जीगा तो जाके हो सकती है 100 100। हाँ। वो भी दोनों जीने चाहिए, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 25वीं हमारी थी ना, जब तो वो कोरोना आ गया था, अब 30वीं आएगी जब मनाएंगे। इनसे तो ना बर्थडे की पार्टी दी गई आज तक, कम से कम 5 साल से मैं इनसे मांग रहा हूँ ना बर्थडे की पार्टी दी, 5 साल से ना सालगिरह की पार्टी दी, क्या ही बोलूँ अब आगे। जैसे अंकल ना फुल ऑन आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ही पैसों की खर्च की बात आएगी तुरंत वो अननोन है, आप अननोन हो ना, वो अपने को जानते ना, बच्चों को जानते ना, बीवी को जानते। बात ऐसी है, मेरे पास 1000 रुपए आते हैं ना, तो 1500 रुपए का खर्चा पहले मेरे को तैयार मिलता है। आई बात बता मैं क्या करूँ? उसके साथ भी सेम चीज होती है, तेरा अभी से ये हाल है क्या? तो फिर मेरी सिचुएशन में तू क्या करेगा भाई? मैं तेरी कसम विदेश, तो मैं शादी नहीं कर रहा। हाँ तो तेरी सारी बातें बता देगी इनको, वो तो ब्लॉग में देख ही लेंगे अभी कल। हैं? हाँ भाई। अरे भाई क्या कर रहे हो? और अभी तो बहुत टाइम है यार इनकी सालगिरह शुरू होने में यार। इच्छा हो जो बता दे भाई ये चीज। नहीं आप बढ़िया जगह ले चलो, मैं दिखा दूंगा भाई। अरे बढ़िया जगह लेके नहीं जा पाएंगे, ये सीधे बोलेंगे जो छड़ी भी चाय पीने चले। देखो यार ये मेरी बेइज्जती करते हैं यार, कैमरे पे बेइज्जती करते हैं, बिना कैमरे के कर ले तो कोई बात नहीं मैं सहन कर लूँ, लेकिन ये कैमरे पे बेइज्जती करते हैं। अब है ना आपको सहन करूँ? अब आपको सहन नहीं हो रही ना, कल पैसा उड़ा दो इतना कि हमारे को सहन ना हो। बैंक रात के बज रहे हैं 1 और इसको देखो गाइस, बादाम काजू केसर वाला दूध बना रही हूँ। रोज रोज केसर भी नहीं पीना चाहिए, गर्मी करता है। कभी कभी
कभी कभी ये बादाम और नहीं, ये तो ठीक है ये पी रही हूँ और भयंकर दूध बनेगा भयंकर। हितेश भैया को हमने बोला था जगे रहे, ना जाके सो गए। और हमारा जो बॉर्नविटा है उसमें जा रहा है कि सबके जितने ग्लास है ना हिसाब से डाल। किसी दो ही ग्लास पिएगी? मैं तो दो ग्लास सोच के बैठी थी। ठीक है, एक ग्लास भी चलेगा, दो पी ले। नहीं अब तो इतना ही है, तो वापस निकाले तो फिर कर ले, दो कर ले। अच्छा है, जो जो मैं क्या बचपन में हाइट पे नहीं बढ़ पाई थी। सही बात, अच्छा कॉम्प्लेन है।